वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री के अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई जरूरी अपडेट होगा या कोई ऐसी बात होगी जो आप लोगों को बतानी होगी तब आपके सामने आया जाएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो कल कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि कल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं आज आपको दो वीडियो बताऊंगा, दोनों में बहुत काम की बात है, अभी पहली और थोड़ी देर बाद दूसरी। तो पहली वीडियो ये कि अच्छा एक ही में क्यों नहीं डालते, क्योंकि वो लंबी वीडियो कोई देखता है नहीं, तो एक काम की बात छूट जाती है बस। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, यही बात आप बता, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका मतलब सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके लेके जाना, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, ज्वाइनिंग तो देके रहेंगे क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम है। एक एग्जांपल, जैसे हमारे स्कूल में अभी दो TGT टीचर्स आए, ठीक है ना, उसमें से एक फीमेल थी। तो हुआ क्या, उनकी पहली ज्वाइनिंग हार्ट स्टेशन में हो गए। तो हमने कहा कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको पहली ज्वाइनिंग हार्ट होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें साउथ मिलना चाहिए था। चलो वो तो उनका अपना है। हुआ क्या, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली, हालांकि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। तो उन्होंने मतलब अपना सारा सामान ही लेके आए थे कि ज्वाइनिंग कराएंगे। उन्होंने बात कर लिया था क्वार्टर अलॉटमेंट का, क्वार्टर अलॉटमेंट लेंगे और उसके साथ फिर सामान क्वार्टर्स में चढ़ा देंगे उसके उनके माँ बाप पेरेंट्स, और वो मैडम अपना इसका अगले दिन से स्कूल ज्वाइन शुरू कर देगी। लेकिन हुआ क्या, उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू था, ठीक है, कि डेट का कोई इशू था कैटेगरी सर्टिफिकेट में, तो उन्हें उस दिन ज्वाइनिंग नहीं दी। तो हुआ क्या, जो दूसरे कैंडिडेट आए TGT लाइब्रेरी, उन्हें उनके सारे सर्टिफिकेट पूरे थे, उन्हें ज्वाइनिंग मिल गई। और अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग सीनियोरिटी, जो दूसरे कैंडिडेट है जो अगले दिन आए थे, उन्हें सीनियोरिटी मिल गई। और हुआ क्या, उन्हें वो क्वार्टर अलॉट हो गया। और मैंने आपको दिखा रखा है जहां हम रहते हैं वहां पे स्टाफ क्वार्टर्स बहुत वेल फर्निश्ड है। और स्टाफ क्वार्टर्स में होता क्या, एक सराउंडिंग होता है, सारे टीचर्स होते हैं, एक माहौल होता है, एक डेकोरम बना रहता है, और कुछ नहीं। बाकी तो सस्ता महंगा तो जो है बाहर मिल ही जाता है। तो उन मैडम का ये नुकसान हो गया। फिर वो मैडम अपने परिवार को लेके और सारा सामान लेके, अब रखती कहाँ सामान, कहीं रखने की जगह छोटा है, स्कूल में रख नहीं सकते, हमारे क्वार्टर्स वैसे ही भरे कैसे रखेंगे। और जो भी है वो गाड़ी लेके वापस गई है। अब 3-4 दिन बाद जब भी आएगी तब ज्वाइनिंग लेगी। तो देखा, ज्वाइनिंग तो मिलेगी नो डाउट, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे करके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर पूरे नहीं होंगे तो आपको ऐसा नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन्यवाद।